जिन लोगों के मोबाइल गुम हो गए थे उन लोगों ने साइबर सेल शिवपुरी में मोबाइल खोने की शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद टीम ने गुम हुए मोबाइलों में से 73 मोबाइल कीमत लगभग 11.5 लाख के बरामद कर लिए हैं, जिन्हें आज पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम शिवपुरी में लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस किए गए। अपने मोबाइल वापस पाकर लोग बहुत प्रसन्न दिखे एवं पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को धन्यवाद कहा है। साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक मुकेश दुबोलिया एवं साइबर सेल टीम द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों से लोकल पुलिस की मदद लेकर एवं लोगों के संपर्क कर शिवपुरी में खोए हुए मोबाइलों को कोरियर के माध्यम से वापस लाया गया है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी ने साइबर टीम एवं इस कार्य में लगे अन्य पुलिस कर्मियों की इस कार्य के लिए सराहना की है। प्राप्त किए उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं साइबर टीम को माला पहना कर सम्मानित भी किया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या क्या है, कैसे हमारे साइबर सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश दुबोलिया, आलोक और देवेंद्र और जलज, सारे लोग मिल के लगातार ये लोग परस्यू करते रहते हैं। जब कोई मोबाइल को मिसिंग की रिपोर्ट आती है तो उसमें एक बड़ी सफलता ये मिली है कि 73 मोबाइल हमको मिले हैं, जो आज पहला वर्किंग डे है साल का 2023 का, तो उस दिन हम इनको वापस कर रहे हैं, सबको बांटे हैं। और इसमें बहुत अच्छी मेहनत साइबर सेल ने की है, जहाँ भी जैसी जानकारी मिली है कि कहाँ पर क्या है तो उससे परस्यू करके कि हम क्या जाकर लिया है, जब कोई इसने इस्तेमाल किया है, तो एक अच्छी सफलता मिली, जिससे पिछले साल भर से लेके अभी 8 दिन पहले तक के मोबाइल जो चोरी गए हैं वो मिले हैं। कुछ लोग अभी आए नहीं है तो भी मिल जाएंगे। इस बार हमको दिल्ली से लेके, आगरा से लेके, हम फतेहपुर से लेके बहुत जगहों के मोबाइल हमने रिकवर किए हैं। इनफैक्ट इस बार ये भी सफलता मिली कि कुछ बाहर के जिलों के मोबाइल जो बाहर नहीं गए थे और हमारे यहाँ छत पे पता लगे, तो ऐसे भी पन्ना के हमको 3-4 मोबाइल मिले हैं और शहरों के भी मिले हैं, इनकी कीमत एक अंदाज से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।